Hi guys, in this video lecture we will discuss term symbols, atomic term symbols. Molecular term symbols के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक टर्म सिंबल्स कैसे असाइन करते हैं. टर्म सिंबल्स CSIR नेट एग्जाम हो या गेट एग्जाम हो या IIT JEE हो, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. लगभग हर बार 2 मार्क्स वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आता ही है टर्म सिंबल्स को लेकर के. देखिए टर्म सिंबल्स कैसे असाइन करते हैं. टर्म क्या है? टर्म्स आर डीजनरेट माइक्रोस्टेट्स. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं, ये मान लीजिए कि मिनिमम एनर्जी लेवल में अरेंज है और मिनिमम एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हमको अरेंजमेंट मिलता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्टेट. क्या कहते हैं? माइक्रोस्टेट. माइक्रोस्टेट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल पॉसिबल या टोटल माइक्रोस्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने इसका प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. माइक्रोस्टेट्स को हम असाइन करते हैं एक टर्म से, माइक्रोस्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सिंबल से, उसको हम टर्म सिंबल कहते हैं. तो ये टर्म सिंबल हम कैसे लाएंगे वो हम यहां पर सीख रहे हैं. देखिए टर्म सिंबल असाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे LS कपलिंग स्केल और इसी का नाम है RS कपलिंग स्केल. RS मीन्स रसेल संडर्स. तो ये कपलिंग स्केल की हेल्प से हम असाइन करेंगे टर्म. चलिए सीखते हैं. मैं ये बता दूं कि माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्टेट्स में हमको पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स या अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के या इलेक्ट्रॉन्स के. तो हम किसको मिनिमम एनर्जी का मानते हैं? जिसकी जो सभी लॉस को फॉलो करता हो, फॉर एग्जांपल हुंस को, पाउलीज को, अफबाउस को, एन प्लस एल को, ये सभी को फॉलो करता हो, उसको हम मिनिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं. तो ये सभी रूल्स को फॉलो करने वाले माइक्रोस्टेट का जो टर्म होगा उसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म. क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट टर्म. पॉसिबल और भी माइक्रोस्टेट्स हो सकती है, तो उन माइक्रोस्टेट से जो हमको टर्म मिल करके आएगा वो हमारे लिए पॉसिबल टर्म हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल टर्म्स हो सकते हैं. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल और पॉसिबल टर्म सिंबल दोनों को सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1 LJ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गया हमारा सिंबल का रिप्रेजेंटेशन, टर्म सिंबल का रिप्रेजेंटेशन. मैं इसको साफ कर देता हूं फिर आपको बताता हूं कि इसमें क्या बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को. हमको मिला हुआ है सिंबल 2s+1 LJ. 2s+1 क्या है? नथिंग, इट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी. 2s+1 क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी. L क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम. क्लियर? ये तो हो गया हमारे रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या क्या चीजें लेकर के आना है. हमको एक तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल करके लेकर आना है, एक लाना है हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक लाना है हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम. तो चलिए हम इन तीनों को कैसे निकाल करके लाएंगे वो मेथड अब हम सीख लेते हैं. हमारे पास तीन चीजें हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम. तो हमको इन तीनों को ही डिटरमाइन करना है. तो मैंने मेथड को, इन तीनों को डिटरमाइन करने के मेथड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस एस कपलिंग. फिर हम कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एल एल कपलिंग. अब ये जो एस एस कपलिंग होगा जिसका रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या होगा? टोटल स्पिन
एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एल एल कपलिंग से हम लोगों को मिलने वाला है कैपिटल एल, मींस टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मिला करके हम लोग बनाएंगे एल एस कपलिंग। एल एस कपलिंग का जो रिजल्ट होगा वो टोटल एंगुलर मोमेंट आएगा जे। तो हम लोग थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर चुके हैं, एस एस कपलिंग, एल एल कपलिंग एंड एल एस कपलिंग। अब तीनों को वन बाय वन हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहला है एस एस कपलिंग, एस एस कपलिंग, और एस एस कपलिंग से जो रिजल्टेंट एस मिलने वाला है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमको एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम के अंदर मान लो आया कि पी टू टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप टर्म सिंबल राइट कीजिए। तो टर्म सिंबल पी टू टाइप का, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा लिखते हैं इसका, ये है हमारे लिए पी टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ग्राउंड स्टेट में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम एनर्जी लेवल का इसी टाइप से मिलने वाला है। हमको टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मिले हुए, क्या मिले हुए, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल अवेलेबल स्पिन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी हमारे पास होंगे उनके स्पिन्स का सम ही हमारे लिए क्या होगा, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर हमको S1 क्या दिया हुआ है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, S3 थ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो S3 भी आ जाएगा, फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो S4 भी आ जाएगा। हमको क्या क्या मिला हुआ है, एक प्लस हाफ वाला मिला हुआ है प्लस, दूसरा भी हमको क्या मिला हुआ है प्लस हाफ वाला मिला हुआ है। इन दोनों का सम करके हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल करके ले आएंगे। अब हम इस एस की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब तो हमारे पास फार्मूला है 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, s यही टोटल एंगुलर मोमेंट, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, 2 प्लस 1, तो सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हमारे पास फार्मूले में आ गया। 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस 1 मीन्स 3, 2s प्लस 1 मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू कितना आया, 3 आ गया हमारे पास। तो आप मुझे बताइए आप कि क्या आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जो एस है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो स्पिन कैलकुलेट करने के लिए जितने भी अवेलेबल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को हम ऐड कर देते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो उनकी स्पिन अपोजिट स्पिन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी हमको ऐड करना है। अगला है एल एल कपलिंग, एल एल कपलिंग। अब एल एल कपलिंग मीन्स, कपलिंग मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। दूसरे वाले पॉइंट पर आ गए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, अब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन कर लेते हैं। देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एम एल वन प्लस एम एल टू प्लस एम एल थ्री प्लस, जितने भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे उनके अकॉर्डिंग हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको मिला हुआ है पी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मिला हुआ है पी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में ऐसा लिखा। अब ये हमारे लिए प्लस वन है, ये जीरो है, ये माइनस वन है, तो यही हमारे लिए एम एल वैल्यूज है, यही हमारे लिए क्या है एम एल वैल्यूज है। इन्हीं को सम करके हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल के लाना है। फॉर एग्जाम्पल पी3 के लिए हम ले लेते हैं, मुझे यदि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल करके लाना है तो फार्मूला यही होगा एम एल वन प्लस एम एल टू प्लस एम एल थ्री। मैंने यहां पर लिखा एम एल वन के लिए क्या है प्लस वन है प्लस, एम एल टू के लिए क्या है जीरो है प्लस, एम एल थ्री के लिए क्या है माइनस वन है। ठीक है, आप टोटल एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। बात समझ गए, हम एल कैसे निकाल करके लाएंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल के लाएंगे, एम एल वैल्यूज की हेल्प से निकाल करके लाएंगे। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम एम एल कह रहे हैं इसी की हेल्प से हम
एंगुलर मोमेंटम निकाल करके ला रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहां पर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लिया, D7 कॉन्फ़िगरेशन है। अब कोई भी D7 कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है, आप उसको D7 को ग्राउंड स्टेट में इस टाइप से फील करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये प्लस टू है, ये प्लस वन है, 0, -1 एंड -2। अब हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यदि तो हमारे पास यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस टू के अंदर, या ये वाला जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्लस टू को हम 2 बार ऐड कर देंगे, प्लस टू 2 बार हमने इसको ऐड कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वन 2 बार कर दिया, +0, -1, -2, ये हो गया। अब ये -1, -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 प्लस ये कितना हो जाएगा, +4, +2, +6 हो जाएगा, +6, +6, -3 = कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आया, 3 आया D7 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जबकि P3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आया, 0 आया। अब ये 0 और वो 3 से हमको क्या असाइन करने को आता है वो हम सीख लेते हैं। देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब आ जाता है हमारे पास, तो हम 0 हो सकता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस टाइप से हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज आएगी। अब 0 के लिए हम असाइन करते हैं एस टर्म, कैपिटल एस लिख रहा हूं मैं, एस टर्म असाइन करते हैं। 1 के लिए हम पी असाइन करते हैं, 2 के लिए हम डी असाइन करते हैं, 3 के लिए हम एफ असाइन करते हैं, 4 के लिए हम जी असाइन करते हैं, 5 के लिए हम एच असाइन करते हैं। इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं एल के लिए एक, जो भी हमको एल का वैल्यू आया है उसके लिए एक टर्म। तो एस टर्म, पी टर्म, डी टर्म, एफ टर्म, जी टर्म, एच टर्म, इसको इस टाइप से हम पढ़ते हैं। एस एक टर्म है, ठीक है, एस क्या है, एक टर्म है, इस टर्म को हम यूज करेंगे हमारे टर्म सिंबल के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा एल एल कपलिंग मींस एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं हम टोटल एंगुलर मोमेंटम पर। आई होप कि आपको 2 बातें समझ में आ गई होगी कि हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं और एल कैसे डिटरमाइन करते हैं, एल मींस टर्म हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग के लिए हम लोग एल एस कपलिंग, ये हमारा लास्ट पॉइंट है एल एस कपलिंग। एल एस कपलिंग के लिए हम दोनों का यूज करने वाले हैं, एल वैल्यूज का और एस वैल्यूज का, मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंट आएगा एल प्लस एस से एल माइनस एस तक की सारी वैल्यूज, एल प्लस एल एस से एल माइनस एस तक की सारी वैल्यूज हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल हमको मिला हुआ है P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं, मीन्स इसकी प्लस हाफ स्पिन है। टोटल स्पिन डिटरमाइन करने के लिए हम दोनों की स्पिन को एड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल स्पिन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। हमारे पास टोटल स्पिन आ गई 1। अब इसकी हेल्प से हम 2s प्लस 1 निकाल सकते हैं, 2s प्लस 1 मीन्स 2s, 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हमने निकाल ली। अब l निकाल सकते हैं हम ml वैल्यूज से, ये प्लस 1, ये 0, ये माइनस 1। अब ml वैल्यूज l निकालना है हमको, सबसे पहले l निकालने के लिए ml1, ml2 सभी हम यहां पर ऐड कर देंगे, ml1 प्लस ml2 प्लस ml3, तो हमको 3 यहां पर ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं, लेकिन थर्ड ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मिले हुए हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए ml वैल्यू क्या है, +1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ml वैल्यू क्या है, 0, थर्ड तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ml वैल्यूज को ही हमको सिर्फ सम करना होता है, इसका टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास l की वैल्यू आ गई, हमारे पास s की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला क्या है, यदि हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास मोर देन 1 वैल्यूज भी आ सकती है, एल प्लस एस से लगा करके एल माइनस एस तक की सारी वैल्यूज। अब यहां पर इस एग्जांपल में हमने एल निकाल लिया है कितना, 1, एस निकाल लिया है कितना, 1, तो हमारे पास एल आ गया, एस आ गया, इन दोनों की हेल्प से हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जे निकाल सकते हैं।
तब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं यदि J निकालना चाहता हूं तो कितनी वैल्यूज आएगी J की, 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 तक आएगी। मीन्स 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 से 0 तक की वैल्यू जाएगी। 1 माइनस 1 मीन्स 0, और 2 से 0 तक जाने में 2 कितना आता है, 2, 1 और 0। ये आ गई हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए अलग अलग वैल्यूज, 2 आ गई, 1 आ गई, 0 आ गई। अब इन इतनी सारी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास, इसमें से कौन सी हमारे लिए यूजफुल है टर्म सिंबल के लिए, वो बात हम सीख लेते हैं। देखिए 3 पॉइंट्स है हमारे पास यहां पर, एक है वैल्यू J की 2, एक है वैल्यू J की 1, एक है वैल्यू J की 0। जब हमको लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, बात को ढंग से समझिए, जब हमको लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो हम मिनिमम J वैल्यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मिनिमम J वैल्यू का यूज करेंगे। जब हमको मोर देन हाफ फील्ड मिलेगा तब हम मैक्सिमम जो भी वैल्यू आएगी J की उसका यूज करेंगे। चलिए फटाफट 2 एग्जांपल्स लेकर के हम सीख जाते हैं कि आखिर टर्म सिंबल असाइन कैसे करते हैं। एक मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं, अभी जैसा कि हमने P2 देखा था उसी का मैं ले रहा हूं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं D6 के लिए, एक मैंने एग्जांपल ले लिया D6 के लिए, एक एग्जांपल मैंने ले लिया P2 के लिए। अब P2 मीन्स ये रहा, ये देखो ये P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये ML वैल्यूज भी मैंने यहाँ पर राइट कर दी, +1, 0, -1। ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मिला हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही लिख दी है। अब देखिए P2 पहले इसका हम सॉल्व करके देख लेते हैं। P2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं। सबसे पहला काम है हमारा 2s+1 मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिटरमाइन करना। 2s+1, 2s+1 में s क्या है, टोटल स्पिन है, और टोटल स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले हुए हैं, +1/2 के 2 मिले हुए हैं, मीन्स इनका टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब स्पिन मीन्स s = 1 आएगा तब 2 × 1 + 2 = कितना आएगा, 3 आएगा। मीन्स हमारा टर्म सिंबल में 2s+1 तो आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो आ गया, दैट इज 3। दूसरा हमको लाना है L। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमको ML वैल्यूज को ऐड करना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिले हुए, 2 वैल्यूज को ऐड करेंगे हम, +1 + 0, तो टोटल क्या आएगा, 1 आएगा। जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 आती है तो हम P टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पी टर्म यूज करते हैं। देखिए अगली बात, अब ये पी टर्म भी आ गई हमारे पास, जे ही निकालना है। अब जे निकालने के लिए हमारे पास अभी सीख करके आए हम कि L+S से L-S तक की सारी वैल्यूज हमारे पास जे की वैल्यूज होती है। अब ये तो अभी हम कर क्या है, L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + S की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 1+1 से लगा करके 1 - 1 तक की सारी वैल्यूज किसकी होगी, J की होगी। 1 + 1 मीन्स 2 से लगा करके 0 तक, 2, 1, 0, हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अभी हमने सीखा कि लेस देन हाफ फील्ड हो तो मिनिमम वाली जे वैल्यू, मोर देन हाफ फील्ड हो तो मैक्सिमम वाली जे वैल्यू। हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड वाली कंडीशन है तो हम क्या यूज करेंगे, ये 0 वाले जे वैल्यू यूज करेंगे। तो हमारा जो टर्म बनेगा वो टर्म अब क्या बनेगा, 2s+ की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई है। L की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, P आई है, और J की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0। तो 3P0 इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर P2 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अगला दूसरा एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, क्या मिला है, D6 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब D6 देखिए यहां पर +2, +1, 0, -1, -2, ये मैंने इसकी ML वैल्यूज लिख दी। सबसे पहले हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं, 2s+1, S निकालना पड़ेगा इसके लिए, हमको टोटल स्पिन निकालना होगा। देखो अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ही स्पिन हमको ऐड करना होती है, क्योंकि जो पेयर्ड है अपोजिट स्पिन वाले हैं उनकी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अनपेयर्ड हमारे पास 4 है, 4 हाफ मेंस कितना आएगा, 2 आएगा, तो s = कितना आ जाएगा, 2। जब s = आ जाएगा तो 2 × 4 + 1 मीन्स क्या आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 आ जाएगा। दूसरा L कपलिंग कांस्टेंट, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमको, सारी ML वैल्यूज को जोड़ना होगा, ML1 + ML2 + ML3 + ML4 + ML5, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज के लिए इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं। देखिए ML1 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को +2 से मल्टीप्लाई कर दो, +2, ये हो गया पहला वाला। ML2 + 1,
ये हो गया दूसरा वाला एमएल थ्री जीरो, ये हो गया तीसरा, चौथा है माइनस वन, पांचवा है माइनस टू, ये सारी है। ये फोर प्लस टू इंटू टू फोर हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस टू प्लस वन थ्री हो जाएगा माइनस थ्री। मीन्स हमारे पास एल की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। जब एल की वैल्यू टू आती है तो हमारे पास टर्म होता है डी, जब एल की वैल्यू टू आती है तो टर्म होता है डी। आखिरी बात हमारे पास बची हुई है जे निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, जे निकालने के लिए। जे की वैल्यूज आती है एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, कहां से कहां तक, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। इसको इरेज करके ऊपर कर देता हूं मैं, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक हमको जाना है। अब देखिए एल हमारे पास आ गया है टू, एस हमारे पास आ गया है टू, अभी हम निकाल कर क्या है, टू प्लस टू से टू माइनस टू तक की सारी वैल्यूज जे की वैल्यूज होगी। टू प्लस टू मीन्स फोर से लगा करके जीरो तक, फोर थ्री टू वन एंड जीरो, ये फाइव वैल्यूज होगी जे की हमारे लिए। अब इनमें से कौन सी यूज करना है वो हमारे ऊपर है। हमको क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला हुआ है, डी सिक्स, डी सिक्स मीन्स मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड मिला हुआ है तो मैक्सिमम वाली जे वैल्यू हमको यूज करना होती है। तीनों बातें आ गई हमारे पास, टू एस प्लस वन हमारे पास क्या आया था, फाइव, टर्म क्या आया था डी, जे की वैल्यू क्या आई है फोर। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 5d4 फॉर d6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं, आई होप कि आप लोगों को टर्म सिंबल या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना तो अब आप सीख ही गए होंगे। ऐसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए घर पर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।